मैं डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वोमेन, जमशेदपुर। आज हम यूजी सेमेस्टर थर्ड के कोर पेपर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पेपर में मैंने पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश की उपलब्धि, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण रीति, उसके साम्राज्यवादी नीति के संबंध में पढ़ा चुके हैं। आज हम तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को एक विरोधाभास शासक के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे इतिहासकार उसकी आलोचना भी करते हैं, तो कुछ इतिहासकार उसको दूरदर्शी शासक के रूप में जानते हैं। तुगलक वंश की स्थापना का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को है, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो था, जो एक भारतीय मुसलमान था। दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक अपने पुत्र जोना खान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और 1320 ईस्वी में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। उसके साथ उसका पुत्र, वह काफ़ी महत्वाकांक्षी था, अपने पिता के साथ उसने काफ़ी युद्धों का वह सामना भी किया था और वह कई युद्ध में शामिल भी हुआ था। 1320 ईस्वी में वारंगल के युद्ध में वह भाग लिया था, लेकिन वह पराजित हुआ था। 2 वर्षों के बाद वह अपने सैनिकों के साथ मिलकर वारंगल का युद्ध जीता और उसकी महत्वाकांक्षी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लगा और 1325 ईस्वी में अपने वह पिता की हत्या धोखे से करवा दिया। और 40 दिन तुगलकाबाद में रहने के बाद वह दिल्ली का शासक अपने को घोषित किया और 1325 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के साथ उल्गू खां की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन पितृहत्या के रूप में यह शासक जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तब उसने अपनी नीति को क्रियान्वित करने का विचार किया। जिस समय वह गद्दी पर बैठा, चारों तरफ उसका स्वागत हुआ। यह इतिहासकारों के बीच में एक विषय आता है कि वह जिस तरह से पितृहत्या का आरोप लगा था, उस पर ऐसा कोई दृश्य नज़र नहीं आया। सभी अमीरों ने आकर उसका स्वागत किया। दिल्ली के सुल्तान के रूम में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और उसके बारे में लेनपुर लिखता है कि वह एक विश्वसनीय सीमा रक्षक, न्यायप्रिय, उच्चाशय तथा एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। प्रारंभिक समस्याएं, कुछ समस्याएं उसके साथ था जो उसके सत्ता को कमजोर कर रहा था, लेकिन उसने अनेक सूबेदारों के विद्रोह को दबाया और अपनी जो सूबेदार स्वतंत्रता घोषित कर चुके थे, सैनिकों के बल पर उसे दबाया और वह दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। सर्वप्रथम उसने अपनी गृह नीति का अनुसरण किया। इस क्रम में उसने 4 काम किया। पहला काम जो उसने किया, वह पहला काम उसने सबसे पहले तो उसने दोआब में कर वृद्धि किया। यह उसका पहला काम था जिसने कि दोआब में कर वृद्धि किया। यह भी उस समय किया जब उसने अपने शासन रूढ़ होने के समय में काफ़ी धन खर्च किया था। वह धन इतना खर्च कर दिया था कि राजकोष खाली हो गया था। चारों तरफ लोगों पर कर बढ़ाने के सिवा उसकी कोई चारा नहीं थी, तो उसने क्या किया कि दुआब में जो उस समय अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था, जनता की कमर टूट गई थी, रैयतों की कमर टूट गई थी, वह जीवन यापन करने में अक्षम साबित हो रहा था, उस परिस्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में कर बढ़ाया और दुआब में इस तरह से कर बढ़ाने से जनता जो है काफ़ी निराश हो गई। जनता कर देने में असमर्थ साबित हो रही थी क्योंकि अकाल के कारण उनकी उपज नहीं हुए थे, उनके उपज कम हो गए थे। वर्णी लिखता है कि रैयतों की रीढ़ टूट गई थी, अनाज महंगा हो गया था, वर्षा कम हुई इसलिए फसल हुआ नहीं था,
और ऐसी अव्यवस्था कई वर्षों तक चलती रही जिससे हजारों लोगों के जीवन नष्ट हो गए। ऐसी परिस्थिति में कर लगाना लगता है कि यह वह अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी आलोचना इतिहासकारों ने की है और ईश्वरी प्रसाद तो लिखे हैं कि दुर्भाग्य से यह योजना उस समय कार्यान्वित की गई जिस समय दवा भयंकर अकालों से गुजर रहा था, दुर्भिक्षों के दौर से गुजर रहा था, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई थी और इस तरह से हम अगर कह दें जनता का कष्ट बढ़ गया था। लेकिन इसे सुल्तान सर्वथा दोष युक्त नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके पदाधिकारियों ने अकाल की परवाह नहीं की और जबरदस्ती जनता से कर वसूला। तो यह जो पहली योजना थी यह भी सफल प्रतीत नहीं होता है। दूसरा, उसने कृषि की उन्नति के लिए एक कृषि विभाग का निर्माण किया। वह मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के संबंध में नए नए प्रयास करके उपज को बढ़ाना चाहता था, नए नए फसलों के द्वारा कृषि करना चाहता था। इसके लिए उसने राज की ओर से उसने 60 वर्ग मील एक भूभाग खरीदा था। उस भूभाग पर उसने कई पदाधिकारियों को नियुक्त कर धनों को खर्चा किया और कई कारणों से यह सफल नहीं हुआ। पहला कारण तो यह हुआ कि उस समय पहला असफलता का कारण यह था कि यह प्रयोग जो जिस जमीन के क्षेत्र के लिए चुना गया था वह उपजाऊ नहीं था। दूसरा कारण यह हुआ कि यह कुछ 3 वर्षों के लिए किया गया और इतना कम समय इसके लिए सही नहीं था। तीसरा यह हुआ कि पदाधिकारियों और किसानों ने पैसा का दुरुपयोग किया, वह सही ढंग से पैसा खर्च उस पर नहीं किया, जिसके कारण जो है यह योजना भी असफल हो गया। दीवाने को ही नाम की जो यह व्यवस्था थी वह असफल साबित हुआ। और तीसरा सबसे बढ़िया जो काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया वह राजधानी परिवर्तन किया। मोहम्मद तुगलक काफ़ी दूरदर्शी शासक था, वह देख रहा था कि बराबर दिल्ली पर आक्रमण हो रहा है, जनता वहाँ की परेशान है, उत्तर भारत दिल्ली उत्तरी सीमा पर आबद्ध होने के कारण कोई भी आक्रमण बराबर हो रहा था। अतः उसने दिल्ली से वह देवगिरी जो जिसका नाम दौलताबाद हुआ वह राजधानी परिवर्तन किया, वहाँ से लोगों को हजारों की संख्या में दौलताबाद जाने की इजाज़त दी। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, हजारों लोग वहाँ से गए, राजधानी परिवर्तन की कोई नीति नहीं बनाई गई थी। वहाँ जाने के बाद लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, गंदगी काफ़ी फैला हुआ था, इस लेकर कि वह योजना उतनी सफल प्रतीत नहीं होता है। इसलिए बर्लिन ने लिखा है कि इसलिए वह राजधानी परिवर्तन किया था कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। दिल्ली, गुजरात, लखनऊती, तिलंग कभी वहाँ से 700 मील की दूरी पर था। लेकिन जिस ढंग से मोहम्मद ने इस विचार को क्रियान्वित किया यह मोहम्मद तुगलक की भारी भूल साबित हुई, क्योंकि यह जो दिल्ली 170 से 180 वर्षों तक समृद्ध हो रहा था, समृद्धता के दौर से गुजर रहा था, वह अचानक वह काफ़ी कमजोर हो गया। इसका मुख्य कारण राजधानी परिवर्तन रहा। फिर वहाँ की अव्यवस्था को देखते हुए सुल्तान ने लोगों को दिल्ली जाने की इजाज़त दी। दिल्ली वीरान हो चुका था, दिल्ली लूट के कगार पर खड़ा हो चुका था, फिर से लोगों को वहाँ की व्यवस्था को बदलना पड़ा, व्यवस्थित करना पड़ा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोहम्मद तुगलक का राजनीतिक परिवर्तन का विचार उतना तर्कसंगत नहीं था जितना कि उसका तरीका। यदि राजधानी परिवर्तन करनी थी तो उसे दौलताबाद का विकास पहले कर लेना चाहिए था, वहाँ व्यवस्था पहले करना चाहिए था, जिससे जनता को गंभीर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और चौथा है कि वह उसने जो उसका इतिहासकारों ने जो आलोचना की है उसका जो दुर्दशापूर्ण रवैया में एक कलंक लगा है और हुआ था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह स्थान उस समय पर एक प्रश्न खड़ा करता है कि उसने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया उसमें उसने तांबे के सिक्का का प्रचलन किया, जिसको सोने के सिक्के के मुद्रा के समान रखा, उसका जो मूल्य था वह सोने की मुद्रा के समान था, लोग व्यवहार में इस मुद्रा का प्रयोग करने लगे, काफ़ी सारी व्यापारियों किसानों ने टकसालों से जाकर तांबे का मुद्रा देकर सोने का सिक्का लेकर अपने घरों को भर लिया। बाद में सिक्का की काफ़ी कमी होने लगी। वहाँ पर सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वह 13वीं सदी के अंत में चीन के मंगोल सम्राट कुबलई खान ने भी कागज़ की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी,
और फारस के शासक दाई खतू ने चमड़े का सिक्का चलाया था, लेकिन ईरान का प्रयोग असफल हो गया था, लेकिन चीन में कुबलाई खान का जो चलाया सिक्का था वह सफल हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का यह सिक्का का प्रचलन सफल नहीं हुआ। अपनी योजना के अनुसार मोहम्मद तुगलक ने भी तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन बाद में लोगों को देखते हुए, लोगों की स्थितियों को देखते हुए क्रोध में आकर उसने फिर से लोगों को तांबे को सिक्का के देकर सोने के सिक्का लेने का आह्वान किया, जिससे तुगलकाबाद में सिक्कों के पहाड़ के समान ढेर लग गए, ऐसा ये इतिहासकार बताते हैं। और इतिहासकार टॉमस कहता है कि इस तरह से मोहम्मद तुगलक की विफलता का कारण स्पष्ट हो जाता है। तो मोहम्मद तुगलक इस तरह से एक दूरदर्शी शासक था, लेकिन उसकी योजनाएं जो थी वह सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सका। वह मुद्रा भी उसका सही ढंग से काम क्रियान्वित नहीं हुआ। राजधानी परिवर्तन में भी वह काफ़ी असफल रहा। जिस सोच से वह राजधानी परिवर्तन किया था वह भी असफलता के कगार पर खड़ा हुआ। वह दिल्ली से राजधानी को हटाना चाहता था, देश को मजबूत के कगार पर खड़ा करना चाहता था। वह एक उदारवादी शासक था, वह दिल्ली और प्रजा के हितैषी शासक था, लेकिन उसकी सोच में उसके पदाधिकारी और उसकी दूरदर्शिता काम नहीं आ सकी। उनके जो उस समय के पदाधिकारी थे सही सही काम नहीं कर सके। दोआब में जिस तरह से कर बढ़ाया उसमें पदाधिकारियों ने जिस तरह से कर वसूला वह दोष मुक्त, वह दोष युक्त, वह शासक नहीं था। वह पदाधिकारियों ने बेरहमी से जिस समय दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था उस स्थिति में उसने वहाँ पर कर वसूला, वह योजना भी असफल हो गया। और मोहम्मद बिन तुगलक इस तरह से भारतीय इतिहास में एक दूरदर्शी शासक के रूप में नहीं और दूरदर्शी शासक के रूप में जान इतिहासकार उसका कभी कभी वर्णन करते हैं, ऐसा कहते हैं। कुछ इतिहासकार ने तो पागल बादशाह तक कह दी है, लेकिन हम एक इतिहास के निष्पक्ष विद्यार्थी होने के नाते यह कह सकते हैं कि उसकी योजना जो थी वह अच्छी थी, वह दूरदर्शी थी, देश के विकास के पथ पर आगे ले जाने का योजना था। वह धार्मिक शासक नहीं था, वह धर्मांध नहीं था, वह अलाउद्दीन खिलजी के तरह उलेमाओं को राजनीतिक रूप से वह बेदखल करना चाहता था, राजनीतिक हिस्सेदारी में उसे नहीं शामिल करना चाहता था। उसने तो कभी कभी उलेमाओं को कठोरतापूर्वक भारी दंड भी दिया था अगर उसकी ये धर्म की नीति में उदंडतापूर्वक कोई व्यवहार किया हो तो उसे वह दंड भी दिया था। इस तरह से हम कहें तो वह एक ऐसा शासक था जिसे हिंदू प्रजा भी खुश थी, लेकिन ऐसा वह शासक अपनी दूरदर्शी कारण से अपनी जो नीति थी नए शासन में वह उलेमा के एकाधिकार को सुल्तान के समान कर दिया। यदि उलेमा के विरुद्ध बगावत, राज्य विद्रोह तथा धार्मिक संस्थाओं को धन को गबन के आरोप अगर सिद्ध होता था तो उसे कठोर से कठोर दंड देता था। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है उसमें धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता नहीं थी। सुसंस्कृति के कारण उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो गया था। तर्कशास्त्रियों एवं दार्शनिकों से बातचीत करते करते उसमें वह असहिष्णुता उत्पन्न हो गई थी जिसके लिए अकबर की इतनी प्रशंसा की जाती है। मतलब अकबर के जो गुण था, अकबर जो अपने प्रजा को सुख और शांति के मार्ग पर ले जाना चाहता था, वही कार्य मोहम्मद तुगलक ने किया। सैनिक अभियान भी उसने किया, सेना को भी काफ़ी उसने मजबूत किया। और उसके बाद उसकी नीति जो थी उसमें कुछ नीति के परिणाम में कुछ विद्रोह भी हुआ, उसमें प्रजा में असंतोष भी बढ़ा। जिस तरह से उसके चार काम जो किए गए वह सफल नहीं हुआ, उसके प्रजा में भारी असंतोष हुआ और उसमें आरंभिक विद्रोह भी हुआ, जिसमें बहरा मायवा का विद्रोह हुआ, बहादिन गुरसौब का विद्रोह हुआ। बाद में हम देखते हैं कि बाबर में 1335 ईस्वी में सुदूर दक्षिण में मथुरा के निकट उसके विद्रोह को हुआ, लाहौर तथा दौलताबाद में भी विद्रोह हुआ 1335-36 ईस्वी में। वहाँ पर सूबेदारों ने, दौलताबाद के सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन उसे भी पर्याय का मुंह देखना पड़ा और उसने सुल्तान से क्षमा याचना भी की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्रोह को भी उसने दबाया, उसमें ऐसा गुण था, सैनिक की गुण भी भरा हुआ, कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने पिता की पितृहत्या जरूर हुआ, लेकिन जिस तरह से काम किया वह भारतीय राजनीति में लोग उसकी पितृहत्या की बात भूल गए। बंगाल में भी विद्रोह हुआ और इन सारे विद्रोहों के बाद मोहम्मद तुगलक को गलत योजनाओं के कारण एक असफलता भी मिली और वह सुल्तान की दानशीलता भी काफ़ी उसके
असफलता में योगदान दिया। वह योग परामर्शदाताओं का उसके साथ अभाव रहा, जिसके कारण जो है उसकी जो योजनाएं थी वह सफल नहीं हुआ। अंत में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्ययुगीन इतिहास के सुल्तानों में एक विवादाग्रस्त एवं मनोरंजक व्यक्तित्व का शासक था। 1325 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 26 वर्षों में वह शासन किया। 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। उसके आलोचक ने उसे शैतान के वास्तविक अवतार कहते हैं, जबकि कई रूपों में उसमें सहानुभूति रखने वाले ने कहा है कि मध्ययुगी के सुल्तानों में निस्संदेह वह एक योग्यतम सुल्तान था। उसके जो नीतियाँ थी वह निश्चित रूप से भारत के विकास के लिए मध्यकाल इतिहास को एक ऐसा शासक दिया जिसकी योजना अगर बाद में क्रियान्वित करके लोगों ने देश को विकास के तरक्की पर पहुंचाया। बर्नी तथा इब्न बतूता दोनों उनके समसामयिक थे और उन्होंने जो कुछ देखा अनुभव किया और उसके विशद वर्णन भी किए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के निजी पहलू को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि उसमें वांछनीय गुण विद्यमान थे। उसमें विद्या, दर्शन, ज्योतिष, गणित, भौतिक आदि सबों के गुणों का समन्वय था। अतः हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल बादशाह नहीं, एक विद्वान बादशाह था, एक दूरदर्शी शासक था जिसकी योजना अगर सफल हो जाती तो देश का विकास काफी होता और वह अन्य विश्व में अन्य देशों की अपेक्षा मध्ययुग में यह भारत काफी एक समृद्धशाली देश के रूप में खड़ा हो जाता। अतः हम कह सकते हैं कि उसकी योजनाएं आज भी, अगर उसके योजनाओं को आज भी अपनाने की जरूरत है। धन्यवाद।